Hello friends, welcome to Muzza Math. Today we are going to study exercise 10.2 class 10. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोई पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. यानी सबसे पहले इसने बोला हुआ कि सर्कल बनाना हमें, ठीक है. ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है. इसमें आगे बोल रहा है आपसे ये कि किसी पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल 24 सेंटीमीटर. ये एक टेंजेंट चार्ज को टच करते हुए ऐसे, ठीक है. एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर 25. यानी कोई पॉइंट क्यू है इधर, हमने ऐसे मान लिया कि इसने बोला कि ये यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ है टेंजेंट की, यानी टेंजेंट की लेंथ यहाँ से होगी, तो यहाँ से इस पॉइंट को मानते हैं हम लोग पी. तो पी से लेके ये पॉइंट हमारा क्यू है, तो क्यू तक इतना बोला 24 सेंटीमीटर है. तो हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, ठीक है. तो ये रेडियस ऑफ सर्कल होगा हमारे पास, ये पॉइंट होगा हमारे पास ओ, ये होगा हमारे पास आर, ठीक है. मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सेंटर से पास होते हुए कोई भी लाइन जो यदि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है टेंजेंट का, उसे टच करे तो हमारे पास वो 90 डिग्री एंगल बनाता है. अब ट्राइंगल ओ पी क्यू में देखे यदि 90 डिग्री एंगल, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है. तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है कि जो O से P तक की लेंथ हमारे पास क्या 8 सेंटीमीटर में गिवन है. हमने रेडियस माना इसको, P से Q हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर, और O से Q हमारे पास 25 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी को ट्राइंगल में क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग. क्या मिलता है ऐसे, देखो आप जानते हो सभी क्या होता है कि हाइपरन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हाइपरन्यूज में क्या है, ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस क्या आपके पास, यहाँ पर किसी को भी ले सकते हो, ओ पी या पी क्यू को. हमने पी क्यू लिया, पी क्यू स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पर देखो ओ क्यू 25 सेंटीमीटर आपके पास, यानी 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस ओ पी कितना है आर, यानी आर का स्क्वायर. तो सभी जानते हो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस आर का स्क्वायर. तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, 625 - 576 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर. इसको माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमें 49 मिलेगा, यानी 49 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, और आर की वैल्यू यहाँ से क्या मिलती है हमें 7 सेंटीमीटर. यानी रेडियस हमारे पास कितना आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा. ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल के देखो तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होता है, ऑप्शन ए. क्वेश्चन दो में आपको दिया हुआ है कि फिगर है 10.11. इसमें बोला है यदि टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स, यदि टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट होती है, तो आपको एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू बताना है आपको, ठीक है. देखो हम सर्कल फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे पास सर्कल है और हमारे पास किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आई हुई है यहाँ पे, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है. और ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है, तो इसको ऐसे मिलाया हुआ है इसने. इसने मुझे बोला हुआ कि जो ये वाला एंगल है ये 110 डिग्री दिया हुआ है. ये हमारे पास पॉइंट टी है, ये पी, ये क्यू और ओ, ठीक है. हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि एक्स हुआ, ठीक है. अब आप गौर से देखो तो ओ पी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू. आप इसमें देखो तो चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री. कौन कौन से एंगल, यानी कि एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी कितना होगा 360 डिग्री होगा. अब ये देखो जो आपका एंगल ओ पी टी है, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा. कैसे, मैंने बताया था कि किसी भी सर्कल से टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है. देखो सर्कल के सेंटर से तो ये 90 डिग्री होगा, तो इसी हिसाब से जो आपका ये एंगल होगा टी क्यू ओ या फिर ओ क्यू टी, ये भी आपका 90 डिग्री होगा. यानी यहाँ पर देखें तो हमारे पास ओ पी टी कितना होगा 90 डिग्री होगा, प्लस पी टी क्यू, अब इसको हम मानते हैं एक्स, ठीक है, प्लस
टी क्यू ओ हमारे पास ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा प्लस, और एंगल क्यू ओ पी हमें गिवन है कितना 110 डिग्री, ठीक है। तो इनको कितना होगा हमारे पास सम 360 डिग्री होना चाहिए। आगे देखें तो अब इनका सम कर ले हम लोग, 90 प्लस 90 प्लस 110 कितना होगा, ये हमारे पास होगा 290 डिग्री, यानी कि x प्लस 290 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास कि x इज इक्वल टू 360 माइनस 290 यानी कि इतना 70 डिग्री। तो यानी देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। यानी कुछ क्वेश्चन यू है कि एक सर्कल आपके पास किसी एक्शनल पॉइंट से इसके ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है हमने ऐसे कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला हुआ है कि ये सेंटर होगा आपके पास, इसको ओ मान लेते हैं, इसने बोला पी ए और पी बी, तो ये पॉइंट पी है, ये ए है हमारे पास और ये बी है, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना होगा 90 और ये वाला भी एंगल 90 होगा आपका। इसने बोला कि जो इन दो टेंजेंट के बीच का एंगल है वो 80 डिग्री, देखिए ये वाला एंगल आपका कितना 80 डिग्री दिया हुआ है। इसने आपको एंगल पी ओ ए निकालना है, कौन सा पी ओ ए, यानी कि इसको ऐसे मिलाते हैं हम लोग, ये हमने मिलाया पी ओ, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक बार ध्यान रखो, देखो यहाँ पे हम देख के चले तो कौन सा कि इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड पी ओ बी, दोनों ट्रायंगल में देख के चलो तो आप ये देखो कि ओ ए और ओ बी इक्वल होगा, ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओ बी के, क्यों होगा, देखो दोनों के दोनों रेडियस, और रेडियस अपने आप में इक्वल होते हैं हमेशा, रेडियस ऑफ सर्कल। आप देखो आगे कि पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, क्या होगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब ये क्यों होगा, ध्यान रखो किसी भी सर्कल पर किसी एक एक्शनल पॉइंट से सर्कल पर डाली गई दो टेंजेंट्स हमेशा इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो दोनों इक्वल होती है आपने लिखा। और तीसरी चीज ये देखो कि पी ओ जो है दोनों में कॉमन है, यानी पी ओ इज इक्वल टू पी ओ होगा, यानी क्या होगा पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, क्यों कॉमन। अब देखो आपने देखा कि तीनों साइड्स इनकी इक्वल आती है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास दोनों के दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल पी ओ ए आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, सिमिलर हो जाता है किसके, ट्राइंगल पी ओ बी के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया यहाँ पर। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, देखो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे होंगे। अब ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो जब ये 90 ये 90 है तो ये भी एंगल भी इक्वली डिवाइड होंगे। अब ये टोटल एंगल 80 है तो ये कितना होगा, ऊपर वाला 40 डिग्री और नीचे वाला 40 डिग्री हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी क्या होगा कि जो एंगल है आपके पास एंगल ए पी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल बी पी ओ के, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, और हम जानते हैं कि एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ हमारे पास कितना है 80 डिग्री है, दोनों जब इक्वल तो क्या हो जाएगा ये 2 एंगल ए पी ओ हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है, इज इक्वल टू 80 डिग्री, और इसको क्रॉस करो तो आप कितना हो जाएगा 40 पे, यानी एंगल ए पी ओ कितना है 40। जब एंगल ए पी ओ 40 डिग्री है और एंगल ए पी ओ आपका एंगल बी पी ओ के इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना कौन सा वाला एंगल है, ये हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि इन ट्राइंगल ओ ए पी क्या होगा, तीनों एंगल का सम 90 ए 180 होगा, तो क्या होगा, देखो आपका कौन सा एंगल, यानी एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए 180 डिग्री होगा। अब आपके पास ओ ए पी इसने 90 दिया हुआ है, अब आपके पास इसने ओ ए पी आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री होगा प्लस एंगल ए पी ओ कितना आपके पास 40 डिग्री है, प्लस ये आपको निकालना है एंगल पी ओ ए लिखते हैं इसको हम लोग कितना 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना होगा 130 प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कितना होगा एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो आपका आंसर कितना होगा 50 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखो तो हमारे पास कौन सा, ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर।
क्वेश्चन फोर इसने दिया हुआ है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रोन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल. कैसे? ये हमारे पास एक सर्कल है, हमने ये बनाया एक डायमीटर यहाँ पर, ठीक है. तो इस डायमीटर के दोनों एंड्स पर बनी टेंजेंट्स जैसे ये और ये वाली आपको पैरेलल प्रूफ करनी है, ठीक है. तो देखो ये क्या होगा हमारे पास, ओ इस पॉइंट को मानते हम लोग ए, इसको मानते हम लोग बी, ठीक है. ये हमने माना पॉइंट सी डी, ये माना हमने ई और ये माना हमने एफ, ठीक है. अब देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या किसी भी आपको पता होगा कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्स लाइंस को काटे तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, जानते हो आप लोग. तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे. कैसे? देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर डाली गई लाइन हमेशा 90 डिग्री बनाती है. तो ये भी 90 और ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, हो गया 90. अब जब 90 है तो आपके पास क्या है कि एंगल जो है आपके पास कौन सा, ओ ए एफ, वो एंगल 90 है, वो एंगल इक्वल है किसके, एंगल ओ बी सी के. मैं एंगल ओ बी सी की इक्वल लेता हूँ उसको, एंगल ओ बी सी के, इक्वेशन वन. अब जब इक्वल है तो क्या होंगे ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना. दूसरा एंगल ओ ए ई आपका इक्वल आएगा एंगल ओ बी डी के, ये दूसरी इक्वेशन. कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है. और आप जानते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होते हैं, ठीक है. तो क्या लिखोगे, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देन क्या होगा आपके पास, जो सी डी है वो पैरेलल होगी किस चीज के, ई एफ के. हैंस प्रूफ, आपने प्रूफ कर दिया. सी बी आई आपको प्रूफ करना था. यहां पर देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन पांच में आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि आपके पास एक सर्कल है, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. तो इसने बोला सर्कल को टच करते हुए कोई एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है, ऐसे. अब ये बोल रहा है आपको ये बताना है कि जो ये सेंटर होता है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो इसने बोला जो ये परपेंडिकुलर निकलेगा ना 90 डिग्री एंगल बना के, ये इसके सेंटर से निकलेगा, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है. तो देखो इसे करेंगे कैसे, इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर. तो देखो इसको मानते हैं हम लोग क्या, ओ, ठीक है. और यहाँ पर दो पॉइंट बना लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा ए और ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा बी, ठीक है. और इसको मानते हैं हम लोग पॉइंट नंबर पी, ठीक है. तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अनदर पॉइंट मानते हैं ओ डैश. हमने जैसे ये माना ओ डैश और हमने माना कि ओ, इसने बोला कि ओ सर्कल है, सेंटर है हमारा, ठीक है. हमने बोला कि चलो पी ओ जो है वो सेंटर से पास नहीं होती है, जो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर. हम लिखते हैं क्या, लेट परपेंडिकुलर लाइन टू ए बी डज नॉट पास थ्रू सेंटर ओ. हमने माना कि ये ओ से पास नहीं होती है, ठीक है. तो क्या करते हैं, इसको एक अनदर पॉइंट मानते हैं हम ओ डैश, ठीक है. तो लेट इट बी पास थ्रू ओ डैश, इसको ओ डैश से पास कराते हैं. तो ओ डैश से इसको हम लोग डॉट लाइन पास करा दिया हमने, ठीक है. जब ओ डैश से पास होगी तो ये एंगल भी तो 90 होना चाहिए ना, क्योंकि देखो जब ये पास होगा जिसने बोला कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है. तो हमने क्या कर दिया, जॉइन ओपी डैश, हमने ओपी डैश को जॉइन कर दिया. ओपी को हमने पहले जॉइन कर रखा था, ठीक है. अब क्या है, अब जो एंगल ओ डैश पी बी होगा, कौन सा, ओ डैश पी बी, क्योंकि अब ये ओ डैश से पास हो रही है. हमने माना है जब ओ डैश 90 डिग्री एंगल पे मान लिया हमने, तो ओ डैश पी बी क्या होगा, क्या लिखोगे आप लोग, सो एंगल ओ डैश पी बी
कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री होगा, इक्वेशन वन मान लो इसे, ठीक है। अब हमें यह पता है कि ओ यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल है और पी यहाँ पर हमारा पी जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं जब ओ हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल और पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, तो सभी जानते हैं जो लाइन ज्वाइन करती है किसको, क्या लिखोगे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कि वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। जब वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, कि एंगल ओ पी बी आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यदि कंपेयर करें हम लोग इक्वेशन वन और टू को, तो क्या मिलता है, कंपेयर करो तो क्या लिखोगे आप लोग, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू क्या मिलेगा आपको, ऐसे कि जो आपके पास एंगल है यानी एंगल ओ पी बी आपको इक्वल मिलता है किसके, एंगल ओ डैश पी बी के, इसे मानते हैं हम लोग क्या, थर्ड इक्वेशन अपना, ठीक है। अब ये देखो फिगर से, अब यदि हमने फिगर्स में देख के चले अपनी में, हमने जो ड्रॉ की थी, हमारा जो एंगल था कौन सा, ओ पी बी, देखो फिगर के अकॉर्डिंग ओ पी बी हमारा एंगल जो था ओ डैश पी बी से ग्रेटर देन है या नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कि एंगल ओ पी बी ग्रेटर देन हमारे पास एंगल ओ डैश पी बी के, इसको मानते हैं इक्वेशन चार। अब देखो ये एक जगह तो हम लिख रहे हैं कि हमारा एंगल ओ पी बी ग्रेटर देन है, और एक जगह हम लिख रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल ओ पी बी है वो इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये यदि ग्रेटर देन है तो इक्वल हो नहीं सकता, मानते मेरी बात, यदि ग्रेटर देन है ये एंगल तो इक्वल हो नहीं सकता, और यदि एंगल इक्वल है तो ग्रेटर देन नहीं हो सकता। तो ये दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, या तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करो या इस वाले को इसमें कन्वर्ट करें, ठीक है। और दोनों के दोनों एंगल आपने ये दिखाया कि दोनों के दोनों आपके पास एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या कि आपके पास इक्वल आया है। अब इक्वल आया है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इक्वल है तो यार इक्वल कब हो सकता है, इक्वल आपके तब हो सकते हैं यानी कि बोथ दी एंगल्स विल बी इक्वल इफ ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड, जब ओ और ओ डैश आप क्या करें, कोइंसाइड करें, ठीक है। जब ओ और ओ डैश आप कोइंसाइड करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी के ऊपर जो डाला गया है वो कहां से पास होगा, सेंटर से ही पास होगा। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द परपेंडिकुलर टू ए बी पासेज थ्रू सेंटर ओ, ये आपका राइट आंसर इस तरीके से होगा। क्वेश्चन कुछ यूं है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसने बोला हुआ है कि सर्कल के बाहर द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, ये टेंजेंट आपके पास, ठीक है, हमने ये माना ये पॉइंट ए और इस पॉइंट को मानते हैं हम लोग पी, ठीक है, जहाँ टच कर रहा है, इसे मानते हैं यहाँ पर पॉइंट हम लोग क्यू, ठीक है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ए, इसने पॉइंट ए दिया हुआ तो ये पॉइंट ए मानना पड़ेगा, द लेंथ ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ए टेंजेंट, ठीक है, तो कितना है कि एट ए 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो इसने बोला होगा कि ये पॉइंट जो 5 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है टेंजेंट की इतनी 4 सेंटीमीटर है। आपको रेडियस निकालनी है, आसान क्वेश्चन है काफ़ी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये कितना होगा 90 डिग्री, इसको मानते हैं हम लोग आर, ठीक है। तो ट्राइंगल हमारे पास ओ ए पी हो जाएगा, क्या लिखोगे कि इन ट्राइंगल ओ ए पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे लोग, क्या मिलेगा हमें, देखो कि ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, तो ओ ए की लेंथ कितनी आपके पास 5 है, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर, ये कितना होगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस में ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 को 16 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, 25 माइनस 16 कितना होगा ओ पी का स्क्वायर,
9 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, ओपी ऐसे आपको कितना मिलता है 3 सेंटीमीटर, यानी ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है, देखो कि एक तो यानी कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है कि दो सर्कल हो जिनका सेंटर सेम हो, यानी ये ठीक है सेंटर सेम है। इसने बोला हुआ है कि जिनकी रेडियस 5 और 3 है, आपको लेंथ निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। लार्जेस्ट सर्कल की जो कोर्ड है छोटे सर्कल को टच करके निकल जाती है, ऐसे आपको इस कोर्ड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, सेंटर हमारे पास ओ होगा, ठीक है। तो ये देखो इसने बोला कि बड़े जो सर्कल है उसकी लेंथ 5 है, यानी कि हम देखो इसको मिलाते हैं ऐसे, ये हमारे पास लेंथ कितनी है 5 है, और इसको यहाँ परपेंडिकुलर ये ऐसे मिलाते हैं, हमारे पास कितना लेंथ इसने दी है 3 हुई दी हुई है। ठीक है, अब ये देखो छोटे इसको बांधते पॉइंट पी, ये हमारे पास पॉइंट ए होगा, ये होगा बी। अब ये देखो जो ये ए बी जो कोर्ड है बड़े सर्कल के लिए और छोटे सर्कल को टच करके निकलती है, और जब टच करके निकलती है इसका मतलब क्या होगा, ए पी छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, और आप जानते हो टेंजेंट जो सर्कल से सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर जो लाइन होती है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, यानी कि जो ओ ए पी ट्राइंगल आपका क्या बन जाएगा, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हमें ए पी की लेंथ निकालनी है, देखो क्या होगा, यानी कि एन ट्राइंगल ओ ए पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिलेगा ऐसे, देखो कि आपके पास जो होगा ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर कितना आपके पास 5 है, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी कितना आपको ए पी तो निकालना है, यानी ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी कितना आपके पास 3 का स्क्वायर, ये होगा 25। देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, उसको मैं सीधा लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से ए पी का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना होता है 16 होता है, ये होगा ए पी का स्क्वायर। तो ए पी ऐसे कितनी निकलेगी आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखो ए से पी तक 4 है, ठीक है, और एक बात और, किसी भी सर्कल की जो कोर्ड होती है ना, ध्यान करो कोई भी आपका सर्कल है मान लो, इसकी जो कोर्ड है तो सेंटर से हमेशा इसके ऊपर जो हमेशा लंब डलता है परपेंडिकुलर जो होता है, सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर हमेशा कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ए पी इक्वल टू पी बी होगा, क्या होगा कि ए पी जो आपके पास ए पी इक्वल टू होगा पी बी के, जब ए पी पी बी के इक्वल होगा, जब ए पी 4 तो पी बी कितना होगा आपके पास 4 सेंटीमीटर होगा ये भी। ठीक है, और आपको निकालना है तो इसकी ए बी की, तो ए बी क्या आपके पास यहाँ पर ए पी प्लस पी बी, यानी कितना 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, जैसा मैंने ड्रॉ किया हुआ है इस हिसाब से कुछ फिगर है इसकी, आपको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होता है। ठीक है, तो देखो आपको याद होगा मैंने बताया था अभी पीछे कि किसी भी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए सर्कल पर जो टेंजेंट्स होती है हमेशा इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसी बात को, क्या कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सर्कल आर इक्वल, होती इक्वल होती है, इसका मतलब क्या होगा, देखो आपके पास जो सी आर होगा वो इक्वल हो जाएगा सी क्यू के, सी आर आपका सी क्यू के इक्वल होगा। ऐसे ही आपके पास जो बी पी आपका बी पी वो किसके इक्वल होगा बी क्यू के, क्या लिखोगे आप लोग कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू के। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो ए एस होगा आपके पास ये इक्वल आएगा किसका ए पी के, क्या लिखोगे आप लोग कि ए पी इज इक्वल टू ए एस, और इसी तरीके से आपके पास जो डी आर होगा आपके पास इक्वल होगा किसके डी एस के। ठीक है, यानी क्या आएगा आपके पास यहाँ पर कि डी आर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर डी एस। ठीक है, तो इसे मानते हैं इक्वेशन 1 ये होगी इक्वेशन 2, 3 ये होगी 4। ठीक है, तो क्या करते हैं 4 इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड ऑल इक्वेशंस, तो क्या मिलता है देखो
यहाँ पर लिखे हम लोग कि सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी प्लस डी आर इक्वल में क्या आएगा आपका यहाँ पर सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस। तो सी आर प्लस में डी आर, ये देखो इक्वेशन में सी आर और प्लस में डी आर मिलेगा क्या बनेगा आपके पास सी डी बनेगा, यानी ये बन जाएगा आपके पास क्या सी डी प्लस में। ऐसे ही आपके पास ये बी पी प्लस में ए पी मिलकर क्या बनेगा ए बी बनेगा, यानी कि ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे आप देखो तो सी क्यू प्लस में बी क्यू क्या सी क्यू प्लस में बी क्यू आपके पास क्या बनेगा बी सी बनेगा, यानी यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग बी सी प्लस ऐसे ही ए एस प्लस में डी एस आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर ए डी बनेगा, ठीक है। और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका राइट आंसर इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि इन फिगर 10.13, तो जो फिगर आपको कुछ इस तरीके से दी हुई जैसा मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, इसमें बोला कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, यानी कि ये क्या है एक्स ये पॉइंट ऑफ वाई और ये एक्स डैश और वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है, और अनदर टेंजेंट ए बी जो मैंने ए बी ड्रॉ की हुई इधर ये जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा सी है, इंटरसेक्ट करता है एक्स वाई को ए और बी पर, ये ए और बी पर प्रूफ करना आपको एंगल ए ओ बी 90, यानी कि ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग क्या कि ओ को सी से मिला देते हैं हम लोग, ओ को सी से हमने मिला दिया, तो क्या लिखेंगे कि लेट अस जॉइन ओ सी, हमने ओ सी को ज्वाइन कर दिया पर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ओ ए पी और ओ ए सी में क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ ए सी, इन ट्रायंगल में क्या होगा देखो ओ पी बराबर ओ सी, ओ पी बराबर ओ सी क्यों रेडियस है, क्या होगा कि ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, क्यों रेडियस ऑफ सर्कल। आगे देखो तो हमारे पास क्या होगा कि ए पी इज इक्वल टू ए सी, क्यों किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट्स इक्वल होती है, क्या होगा ए पी इज इक्वल टू ए सी टेंजेंट्स, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या टेंजेंट्स। और हमारे पास क्या होगा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, यानी क्या होगा कॉमन होगा, यानी कॉमन है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ट्रायंगल है ओ ए पी कॉन्वर्ट हो जाती है ट्रायंगल ओ ए सी के, और जब कॉन्वर्ट ट्रायंगल हो जाएंगी इसका मतलब क्या होगा आपके पास जो आपके एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि आपका ये वाला एंगल इसको मैं एंगल वन नाम देता हूँ और ये वाला एंगल टू नाम देता हूँ, एंगल वन इक्वल टू टू इक्वल हो जाएगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्यों बाय सी पी सी टी, यानी कि कॉन्वर्ट पार्ट ऑफ सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वर्ट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर हम दो ट्राइंगल और लेते हैं कौन से कि यहाँ पर लिखते हैं कि इन ट्राइंगल जो हमारे पास है ओ बी सी ये वाले ट्राइंगल और ओ बी क्यू दो ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ बी क्यू, ठीक है। इन दो ट्राइंगल को लेकर चलते हैं, हमारे पास देखो क्या होगा कि ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास ओ क्यू, क्या हमारे पास दोनों दोनों रेडियस रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट की टेंजेंट इक्वल होती है, यानी क्या होगा हमारे पास कि बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, क्या लिखेंगे हम लोग टेंजेंट्स, और क्या होगा हमारे पास कि जो ओ बी है दोनों में कॉमन होगा, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, क्यों कॉमन, ठीक है। जब तीनों चीज इक्वल होगी हमारे पास तो क्या होगा देखो कि जो ट्रायंगल हमारे पास ओ बी सी कॉन्वर्ट हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी क्यू के, कॉन्वर्ट हुआ। अब देखो ट्रायंगल जब कॉन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा कि ये वाला एंगल है इसको एंगल थ्री बोलते हैं और ये वाला एंगल इसको क्या बोलते हैं फोर, तो एंगल थ्री फोर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या लिखोगे कि एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये भी बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब फिगर में देखो तो आप सभी जानते हो कि जैसे पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर इसने बोला स्ट्रेट लाइन है, जब स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा कि जो चारों चारों एंगल का सम कितना होगा आपके पास
180 डिग्री होगा, होगा क्या लिखोगे आप लोग कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 1 एंगल 2 की इक्वल था, 3 4 की इक्वल था, यानी क्या लिखोगे आप लोग कि 1 प्लस में 2 मिल गया क्या हो जाएगा 2 गुना एंगल 2, प्लस में 3 और 4 मिल गया क्या हो जाएगा 2 गुना एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आप ऐसे 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से कैंसिल 90 डिग्री पर, क्या है आपके पास यहाँ पर कि एंगल 2 प्लस में एंगल 3 कितना आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो जो आपके पास एंगल 2 और एंगल 3 था दोनों मिलकर क्या बनाते हैं एंगल, ये वाला पूरा एंगल और ये एंगल आपके पास कौन सा है एंगल ए ओ बी, कौन सा एंगल ए ओ बी कितना होगा 90 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है कि आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल होता है बिटवीन दी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। देखो कुछ इस तरीके की बात है कि सबसे पहले आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें बोला हुआ किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है, ये हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये एक एंगल होगा हमारे पास, इसको मिला देते हम लोग ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इसने बोला दैट एंगल बिटवीन दी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, इसको मानते हैं पी, ये ए, ये हमारा होगा बी, इसको मानते हैं ओ, ठीक है। अब इसने बोला कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे कि ए को हमने बी से जॉइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन एंगल बनाएगी ना, ये लाइन बनाएगी ये वाला एंगल, ठीक है। इसने बोला इस एंगल का और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री होने चाहिए। अब सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि दोनों का सम कितना 180 डिग्री आना चाहिए, यानी क्या कि आपको प्रूफ करना है, यानी कि टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है आपको कि आपका जो एंगल है एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी 180 डिग्री हो। तो चलो देखते हैं, हमने सर्कल आपकी जो फिगर है फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया और जो प्रूफ करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आप जानते हो कि जो ओ ए है, ओ ए जो है परपेंडिकुलर है किस पर, ए पी पर है। जब ओ ए परपेंडिकुलर ए पी पर, इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगल आपके पास ओ ए पी है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, इक्वेशन 1 मानते हैं इसको। इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर हमारे पास किसका, बी पी पर, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि एंगल ओ बी पी हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और हम सभी जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल, अब जो क्वाड्रिलेटर दिया होगा बस क्या ओ ए पी बी, यानी कि इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी हम जानते हैं कि चारों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए कितना होगा 360 डिग्री। और यहाँ पे पता हमें ओ ए पी और ओ बी पी, सॉरी पी बी ओ कितना 90 है दोनों, यार ये 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए कितना होगा आपके पास, सॉरी ये 90 आएगा यहाँ पर भी, 90 डिग्री प्लस में कितना होगा 360 डिग्री होगा इक्वल में, ठीक है। तो 90 प्लस 90 कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए ये 90 180, तो इसको क्या करते हैं 360 में से माइनस कर देते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेके आके, कितना बचेगा 180 डिग्री बचेगा, यानी क्या लिखोगे आप लोग कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो आपको प्रूफ करना था और ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है यहां पर कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा, सर्कल अंदर होगा, इसके बाहर क्या होगा पैरेललोग्राम होगा, आपको प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, देखो रोम्बस की कंडीशन ये होती है कि चारों की चारों साइड्स आपकी इक्वल होती है,
और इसने बोला होगा पैरेललोग्राम आपको गिवन है, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है कि आपकी जो आमने सामने की साइड्स होती है वो सब क्या इक्वल होती है, यानी कि आपको ये गिवन है कि आपके पास ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है सी डी है और बी सी इज इक्वल टू क्या आपके पास ए डी है, ये क्या आपके पास गिवन है सब कुछ। और आपको जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, यानी कि टू प्रूव कि ए बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये आपको चीज़ें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए तो क्या करते हैं, आप सभी जानते हो कि सर्कल के किसी भी एक्शनल पॉइंट से डाले गए टेंजेंट्स इक्वल होती है, तो यानी ये वाला इसके इक्वल होगा, बी पी आपका इक्वल होगा किस चीज़ के, बी क्यू के, इक्वेशन वन मानते हैं। ऐसे हमारे पास क्या होगा देखो कि जो ए पी हमारा इक्वल होगा किसके, ए एस के, इक्वेशन टू। और हमारे पास जो है सी आर हमारा इक्वल होगा किसके, सी क्यू के, यानी कि ये वाली इसके इक्वल होगी, इसको मानते इक्वेशन थर्ड। और ऐसे हमारे पास क्या जो डी आर है इसकी इक्वल होगी, डी एस की इक्वल होगी, डी आर हमारी किसके डी एस की इक्वल होगी, ये होगी इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं देखो चारों चार इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग ऑल इक्वेशंस, तो क्या मिलेगा यहाँ से जब ऐड करेंगे इक्वेशंस को, तो देखो बी पी प्लस में ए पी यहाँ पर क्या आपके पास कि बी पी प्लस ए पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल होगा आपके पास क्या कि बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में ए एस प्लस में डी एस। तो बी पी प्लस में ए पी आपके पास मिलकर क्या बनेगा देखो ए बी बनेगा, और प्लस में सी आर प्लस में डी आर, ये सी आर और ये डी आर क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर सी डी बनेगा, इज इक्वल टू आप देखो बी क्यू प्लस में सी क्यू आपके पास मिलकर क्या बनेगा बी सी, और प्लस में ए एस प्लस में डी एस आपके पास मिलकर क्या बनेगा ए डी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से बोला होगा कि ए बी हमारा सी डी के इक्वल और बी सी हमारा ए डी के इक्वल है, जब ये चीज़ें इक्वल होंगी तो ए बी प्लस में सी डी दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास टू ए बी बनेगा इज इक्वल टू, ऐसे बी सी प्लस में ए डी दोनों इक्वल होंगे तो ए डी की जगह क्या लिख लेंगे हम लोग बी सी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास टू बी सी बनेगा, टू से टू कैंसिल, यानी क्या आएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई, ठीक है, सॉरी थर्ड इक्वेशन इसको लिखते हैं हम लोग फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब ये देखो कि इन दो कंडीशंस को देखते हुए चलें कि ए बी हमारा सी डी के इक्वल है, यानी ये देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, देखो क्या है हमारे पास गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। और हमने अभी प्रूफ किया है क्या कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, अब देखो ए बी सी डी की इक्वल और ए बी बी सी के इक्वल, इसका मतलब क्या होगा आपके पास, इसका मतलब ये होगा कि आपके जो बी सी है वो इक्वल आ जाएगी किसके सी डी के, और इसमें जो बी सी आपकी ए डी के इक्वल, इसका मतलब क्या होगा सी डी इक्वल आ जाएगी आपकी किसके ए डी के, यानी कि आप इन इक्वेशंस को इक्वेट करके देखो तो आपको क्या मिलेगा ऐसे कि ए बी इक्वल हमारे किसके बी सी के, प्रूफ किया हमने बी सी इक्वल हमारे किसके सी डी के, क्योंकि ए बी हमारे सी डी की इक्वल है और हमारा बी सी किसकी इक्वल है ए डी के, और इसी तरीके सी डी बी ए डी की इक्वल है, यानी चारों चारों की साइड क्या आ जाती है इक्वल आ जाती है, यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना था, तो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, जैसा फिगर में आपको दिख रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और इसमें जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और नीचे आपको 6 और 8 दो सेंटीमीटर साइड दी हुई है, ठीक है। आपको यहाँ पर ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ए बी जो ऊपर वाला पॉइंट है जो शायद हमसे ड्रॉ नहीं हुआ है, देखो कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, हम फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं, जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ इसको, ठीक है ये, और इसके अंदर हमारे पास एक सर्कल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करता हुआ ऐसे निकल रहा है, ठीक है। इसने बोला कि ये हमारे पास जो रेडियस सर्कल की इसको टच करती है कितना 4 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास सी पॉइंट, ये बी है और ये हमारा वाला ए पॉइंट है, ठीक है। ये लेंथ इसने 6 दी हुई है और ये लेंथ इसने दी हुई है 8, ये पॉइंट होगा हमारे पास डी, देखो इसको मानते हैं पॉइंट ई और इसको मानते हैं हम लोग पॉइंट एफ, ठीक है। अब देखो जब ये हमारे पास सी डी 6 है तो सी ई भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि किसी एक्शनल पॉइंट से डाले गए टेंजेंट्स इक्वल होती है, ये 8 है तो हमारे पास ये भी 8 होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ए से ई तक की लेंथ को एक्स मानते हैं, तो हमारे पास ए से एफ तक की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी हमारे पास एक्स होगी, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चंस करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग चीज़ें लिखते हैं हम लोग क्या, तो क्वेश्चन में हम लोग देखें तो आपने देखा यहाँ पर कि जो आपका सी डी है वो इक्वल आएगा किसका सी ई के, कितना 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से आप देखो तो आपका जो बी डी है वो इक्वल आएगा किसके बी एफ के, कितना 8 सेंटीमीटर, और आप यहाँ से देखो तो आपके पास जो ए
ई है वो इक्वल आएगा किसके, ए एफ के, कितना एक्स सेंटीमीटर हमने माना, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ आपके पास आ चुकी है। अब आप यहाँ से देखो तो लेंथ निकालते हैं हम लोग ए बी की, तो ए बी हमारे पास क्या फुल लेंथ होगी, कितनी होगी एक्स प्लस एट सेंटीमीटर, और जो बी सी की लेंथ होगी यहाँ से हमारे पास कितनी होगी, एट प्लस में सिक्स यानी कि फोर्टीन, और यहाँ से तीसरी लेंथ देखें हमारे पास कौन सी, ए सी, ए सी लेंथ हमारे पास कितनी होगी यहाँ पर एक्स प्लस में सिक्स सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें लेंथ निकालनी है, तो देखो लेंथ निकालने का हमारे पास कोई और चीज़ें तरीका नहीं होगा, सिर्फ एक तरीका हमारे पास निकालने का क्या, कि हम लोग इनके एरिया को इक्वल कर देते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वल कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के, ठीक है। तो देखो दो तरीके से एरिया निकालेंगे, जो पहला तरीका होगा हमारे पास एरिया निकालने का वो होगा ह्यूरोन्स फार्मूला से, यानी एक तरफ निकाल के चलेंगे हम लोग ह्यूरोन्स फार्मूला से एरिया, और दूसरी तरफ निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से, ठीक है। देखो कैसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि इसको सेंटर हमारे पास क्या है, ओ है, तो हम लोग क्या करते हैं ओ सी, ओ बी और ओ ए तीनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ओ एफ और ओ ई को भी ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, कर दिया ज्वाइन हमने। अब ये देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो क्या निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय ह्यूरोन्स फॉर्मूला। तो ह्यूरोन्स फॉर्मूला पर बस होता है क्या है कि s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इसका स्क्वायर रूट, और सभी जानते हैं s की जो वैल्यू होती है क्या होती है आपके पास a प्लस बी प्लस में c बाय टू, और a प्लस बी प्लस सी यानी ए बी सी क्या आपके पास साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। साइड्स ऑफ ट्राइंगल हम निकाल चुके हैं हमारे पास कितनी है 14 x प्लस एट और x प्लस सिक्स हमारे पास साइड्स है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम s की वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास क्या आएगा कि x प्लस सिक्स प्लस में x प्लस एट प्लस में 14 डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा हमारे पास ये कि 2x प्लस में 28 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करें कितना आएगा हमारे पास x प्लस 14 आता है, ठीक है। निकालते हैं ऐसे एरिया, तो क्या मिलेगा हमें कि s इंटू एस माइनस ए, यानी s कितना हमारे पास x प्लस 14 है इंटू एस माइनस ए, यानी कि x प्लस 14 माइनस में ए कितना है एक्स माइनस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स यानी माइनस एक्स माइनस सिक्स होगा आपके पास, क्योंकि माइनस करोगे दोनों नेगेटिव हो जाएगा, ए माइनस बी यानी कि एक्स प्लस में 14 माइनस एक्स माइनस एट, और क्या आएगा एक्स प्लस में 14 माइनस 14, ये आपके पास क्या होगा आपके पास ह्यूरोन्स फार्मूला का एरिया होगा, ठीक है। यहाँ से आप देखो तो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल होगा, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल होगा, आगे चल तो क्या मिलेगा यहाँ से कि एक्स प्लस 14 इंटू 14 माइनस 6 कितना होगा 8, इंटू 14 माइनस 8 कितना होगा यहाँ पर 6, इंटू यहाँ पर क्या बचेगा आपका सिर्फ x इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी कितना मिलता है आपको 48 x इंटू एक्स प्लस में 14 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते अंदर क्या मिलेगा हमें कि 48 x का स्क्वायर प्लस में 48 को हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा, देखो ये मिलेगा हमें 672x इसका स्क्वायर रूट, इक्वेशन 1 मान के रख देते हैं इसको, ठीक है। अब मैंने बताया था हम जो दूसरे ये निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से। ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सभी जानते हो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हम यहाँ पर देखो तीन ट्रायंगल बनाते हैं ओ बी सी, एक ओ बी सी ट्राइंगल होगा हमारे पास, एक होगा ट्राइंगल ओ ए बी और एक होगा ओ ए सी, तीन ट्राइंगल होंगे। अब ये देखो कि आप सभी जानते हो जैसे मैंने ओ ई ओ एफ और ओ डी को मिलाया था, तो यदि हम देखें तो बी सी एक टेंजेंट है और डी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, डी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इसको हमने डालेंगे तो 90 डिग्री एंगल होगा, यानी बेस क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी बेस हो जाएगा, ओ से डी हमारे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसी तरीके से ट्राइंगल ओ ए बी में ए बी हमारे पास क्या होगा, ए बी हमारे पास बेस और ओ एफ हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, और ट्राइंगल ओ ए सी में ए सी हमारे पास बेस और ओ ई हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जब ऐसा होगा तो तीनों ट्राइंगल का सम हमारा बड़े ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखो अब निकालेंगे क्या दूसरे तरीके से एरिया निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए
सी, ठीक है। जैसा मैंने बताया था एरिया ऑफ ओ ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ओ ए बी ट्राइंगल में आप देखो, तो जो ओ ए बी ट्राइंगल है, ओ ए बी ट्राइंगल में ए बी बेस है और ओ ए आपके पास क्या है, सॉरी ओ से एफ क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी क्या आएगा कि ए बी बेस है प्लस में ओ एफ क्या है, परपेंडिकुलर, प्लस में ओ बी सी ट्राइंगल में क्या होगा कि हाफ इंटू बी सी बेस होगा इंटू ओ डी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। और ओ ए सी में क्या है कि हाफ इंटू ए सी आपके पास बेस और क्या ओ से ई परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब यदि ए बी बी सी और ए सी की लेंथ हमने अभी निकाली थी कितना होगा देखो, तो जो ए बी की लेंथ हमारे पास एक्स प्लस एट है, बी सी हमारे पास 14 और ए सी की हमारे पास एक्स प्लस में 6 है, ठीक है। तो क्या है देखो कि हाफ इंटू ए बी हमारे पास कितना था, एक्स प्लस में 6 इंटू ओ एफ कितना हमारे पास 4। देखो ओ एफ 4 इसलिए क्योंकि ओ से एफ पर आपके पास जो डाला गया है परपेंडिकुलर कितना होगा आपके पास, ये 4 सेंटीमीटर होगा। और ए बी आपके पास कितना यहाँ पर 8 है, एक्स प्लस 8 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस 8 और ये कितना होगा 4 प्लस हाफ इंटू बी सी हमारे पास कितना होगा, ये 14 सेंटीमीटर है इंटू में 4 प्लस में ये कितना होगा हाफ इंटू एक्स प्लस में 6 इंटू कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 4, क्योंकि जो 4 हमारे पास क्या रेडियस ऑफ सर्कल है और वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ठीक है। ये 2 से 2 पर कैंसिल, ये 2 से 2 पर कैंसिल, ये 2 से 2 पर कैंसिल, तो क्या मिलता है हमें ऐसे देखो 2 इंटू एक्स प्लस 8 कितना होगा हमारे पास 2x प्लस में 16 प्लस 14 इंटू 2 कितना होगा 28 प्लस और ये कितना होगा 2x प्लस में 12, ठीक है। इनको सम करके लिखते हैं, हमारे पास सम कितना आता है देखो 2x प्लस में 2x कितना होगा 4x प्लस में 28 प्लस में 28 कितना होगा 56, ये होगा हमारे पास इक्वेशन 2। यानी कि एरिया ऑफ दोनों एरिया हमारे पास इक्वल होते हैं, फर्स्ट एरिया हमारे पास कितना था ये वाला 48x का स्क्वायर प्लस में 672x का स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल आएगा किसके 4x प्लस में 56 के, ठीक है। क्या करते हैं स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों तरफ, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा ऐसे देखो स्क्वेयरिंग करेंगे तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 48x का स्क्वायर प्लस में 672x, ठीक है ये बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस में 56 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 48x का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सेम रहेगी, राइट हैंड साइड में क्या होगा a प्लस में b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16x का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, तो 56 का स्क्वायर हमारे पास होगा करीबन 3136 प्लस और 4 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू 4x इंटू हमारे पास कितना होगा 56, तो 4 टू जा 8 और 8 6 जा 48, 8 कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 44 यानी कि 448x होगा हमारे पास, ठीक है। तो इनको सोल्व करते हैं, यानी इन दो को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो देखो 48x का स्क्वायर प्लस 672x माइनस होगा 16x का स्क्वायर माइनस 448x, ठीक है, और माइनस 3136 इज इक्वल टू जीरो। तो 48x स्क्वायर में 16x का स्क्वायर माइनस हो कितना बचेगा 32x का स्क्वायर और 672x में से 448 गया तो ये बचेगा 224x और माइनस 3136 हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। इसको देखो पूरी इक्वेशन को 32 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो हमें ऐसे मिलता है क्या, ये होगा x का स्क्वायर प्लस, अब ये करीबन जाएगा हमारे पास 7 पर, 32 इंटू 7 होता हमारे पास कितना 224, तो 7x माइनस और ये जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड करते हैं देखो 98 पर, ये आएगा 0, ठीक है। फैक्टर करते हैं हमारे पास क्या होता है, देखो फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे हमारे प्लस का 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0, एक्स हमने कॉमन लिया x प्लस में 14 माइनस 7 कॉमन लिया x प्लस में 14 इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस 14 कॉमन लिया हमने, क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x के यहाँ से दो वैल्यू निकले क्या माइनस 14 और x के यहाँ से वैल्यू निकलेगी क्या 7, ठीक है। अब नेगेटिव कोई साइड हो नहीं सकती, पॉजिटिव साइड आएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 7 आएगी। तो हम यहाँ से ए बी और ए सी की लेंथ निकालनी थी हमारे पास, ठीक है। तो ए बी हमारे पास कितना था x प्लस में 8 था,
यानी कितना होगा 7 + 8 यानी कितना होगा 15 सेंटीमीटर, और जो ए सी हमारे पास लेंथ थी कितनी थी, एक्स प्लस में 6 थी, यानी कितना 7 + 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, तो क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक सर्कल बनाते हैं और उसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये सर्कल और कुछ इस तरीके से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होगा, हमने थोड़ा रफ ड्रॉ कर दिया है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक रफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया हमने, तो इसके पॉइंट देते हैं हम लोग क्या कि ए बी सी डी। ठीक है, और जहाँ पर टच करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये पी क्यू, ये आर और ये वाला एस पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें थोड़ी सी और चेंजमेंट करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ओ होगा, ओ को मिलाते हैं हम लोग किससे, बी से, ए से, डी से और सी से, हमने मिला दिया। और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कराते हैं हम लोग चार, ये हमने चार परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करा दिए। ठीक है, तो अब आपको इसमें प्रूफ करना है कि जो से साइड्स होती है अपोजिट साइड्स, तो जैसे ए बी और सी डी दोनों अपोजिट साइड्स हैं, इनके द्वारा बनाया गया एंगल, देखो ए बी जो साइड एंगल बनाएगी वो ये वाला एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल। ठीक है, यानी कौन सा एंगल, ए ओ बी। ठीक है, और जो सी डी साइड एंगल बनाएगी, सी डी साइड वाला जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा, यानी क्या, एंगल सी ओ डी, यानी प्लस में एंगल सी ओ डी आपका कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। और दूसरा जो एंगल कौन सा, बी ओ सी, इसी तरीके से प्लस में एंगल ए ओ डी, आपको ये भी कितना 180 डिग्री आना चाहिए, ये आपको चीज़ें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम लोग, ट्रायंगल यदि ओ ए पी लें, देखो ओ ये हमारे पास ओ है, तो ओ ए पी ये वाला ट्रायंगल और ओ ए एस ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेके चले हम लोग। ठीक है, यानी इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए एस क्या होगा जो आपका ए पी है वो इक्वल आएगा किसके, ए एस के, क्यों, टेंजेंट्स है दोनों, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होती है। इसी तरीके से आपके पास क्या, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए होगा, क्यों, कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, और तीसरी साइड हमारे पास क्या होगी कि ओ पी जो हमारे पास इक्वल होगी किसके, ओ एस के, क्योंकि वो सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देख के चले हमारे पास क्या होगा, जो ट्रायंगल हमारे पास कौन सा, ओ ए पी, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए एस के। ठीक है, जब ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या होगा, उसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी कि अब ये देखो जो ये वाला एंगल होगा, यानी कि इसको एंगल वन माने और इसको माने हम लोग एंगल टू। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देख के चले हमारे पास जो एंगल वन है वो इक्वल आएगा किसके, एंगल टू के आएगा। तो देखो हम लोग बनाते हैं एंगल इसको 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बना दिए हमने सभी एंगल। तो क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। देखो क्या होगा कि सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, ऐसे यदि हम ट्रायंगल अपना ओ पी बी, ओ बी पी और ओ बी क्यू लेंगे, इनको सिमिलर प्रूफ कराएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, देखो कि एंगल जो 3 हमारे पास एंगल 4 के इक्वल आएगा, और हमारे पास एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल आएगा, और एंगल 7 हमारा एंगल 8 के इक्वल आएगा। आएगा, मानते हो सभी चीज़ें। ठीक है, और आप सभी जानते हो कि यदि हम टोटल एंगल 1 से लेके 8 तक हम सभी को सम कर दें, हमारे पास एंगल कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। यानी क्या कि देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 कितना हमारे पास, 360 डिग्री होगा। देखो जो 1 2 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, और हम क्या करते हैं कि एंगल 2 को डबल करके लिख लेते हैं, यानी क्या कि 2 एंगल 2, 3 4 के बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 और 4 के इक्वल है, तो इसको एंगल 3 लिख लेते हैं डबल, प्लस में 2 एंगल 3 प्लस। ऐसे ही एंगल 5 6 के बराबर है, किसके, 5 6 के बराबर है, तो क्या लिखते हैं इसको, 5 को 6 के बराबर कर लेते हैं हम लोग, यानी 2 एंगल 6 प्लस में 7 8 के बराबर, तो क्या कर इसको, 7 के बराबर लिख लेते हैं हम लोग, यानी 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से 180 डिग्री पर कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास कि देखो एंगल 2 प्लस में एंगल 3, यहाँ से देखें तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 मिलकर आपका क्या बनता है, ये वाला एंगल बनता है, यानी एंगल AOP, क्या है, एंगल AOB है,
यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस, और सिक्स और सेवन को देखें कि नीचे देखें सिक्स और सेवन आपका ये वाला एंगल बनता है, यानी ये वाला एंगल सिक्स और सेवन क्या बनता है, सी ओ डी, यानी कि एंगल सी ओ डी आपका कितना आता है 180 डिग्री। ये ही तो आपको प्रूफ करना था, करना था। सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, हमने यहाँ पर टू थ्री सिक्स और सेवन के डबल लिए, यदि इसकी जगह हम लोग क्या करें एंगल वन प्लस में एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस में एंगल एट, इनके डबल लेंगे तो हमारे पास बनेगा, देखो वन और एट एंगल, यहाँ पे वन और ये एट, ये वाला मिलकर एंगल ए ओ डी बनाएंगे, कौन सा एंगल ए ओ डी प्लस और एंगल फोर और फाइव मिलकर ये वाला एंगल बनाएंगे, यानी कौन सा एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, तो ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये भी आपको प्रूफ करना था, यानी कि इसकी क्वेश्चन वन मान इसको माने दो, तो आपका दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 10.2 फिनिश होती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका मेरा सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।